दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने एक नई बिजनेस वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है और आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। दोस्तों हो सकता है इस बिजनेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, लेकिन ये बिजनेस ऐसा होगा कि अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप तो कमाएंगे ही, साथ में आपकी आने वाली पीढ़ी, हो सकता है आने वाले बच्चे आपके इस बिजनेस के थ्रू कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों ये बिजनेस है पेट्रोल पंप खोलने का। आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे जहां पर जाकर के आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि इस पेट्रोल पंप को खोलने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी और कैसे कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेट्रोल पंप का स्कोप जान लेते हैं कि इसमें स्कोप कितना है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल आजकल हम सभी लोग करते हैं, और इसके अलावा गाड़ी के साथ साथ हर घर में अगर आप देखेंगे तो बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। हर घर में आपको एक बाइक जरूर मिल जाएगी। तो इसे चलाने के लिए लोग क्या करते हैं कि हर महीने या हर हफ्ते या डेली बेसिस पे लोग बाग पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल डलवाने से पेट्रोल पंप वाले की इनकम होती है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में रोजाना 5 मिलियन बैरल पेट्रोल या डीजल, दोनों ही हम लेकर चल रहे हैं, पेट्रोल या डीजल दोनों की खपत है पर डे की। तो दोस्तों आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि पेट्रोल की कितनी खपत है और कितना अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया में टोटल अभी 64,600 पेट्रोल पंप है, और ये जो पेट्रोल पंप है इनमें अधिकतर सरकारी पेट्रोल पंप है। जैसे कि अगर आप कंपनी की बात ले लो तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंप है, यानी कि IOCL के पंप है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि PPCL के पंप है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि HPCL के पंप है, और कुछ प्राइवेट पेट्रोल पंप है जैसे कि आपने देखे होंगे, जैसे कि रिलायंस है, और इसके अलावा नायरा एक नई कंपनी आई है। इस तरीके से ये कंपनियां मार्केट में हैं। तो ये ऑयल कंपनियां कैसे करती हैं कि ये ऑयल कंपनियां अपनी वेबसाइट पे वैकेंसी निकालती हैं पेट्रोल पंप अलॉट करने के लिए। आप इन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो और पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों हम जान लेते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो, एक एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि आप जो है भारत के सिटीजन होने चाहिए, आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप कम से कम 180 दिन भारत में रहे होने चाहिए, भारत में बिताए होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट आती है वो है एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट है पेट्रोल पंप खोलने वाले की, जो अप्लाई करने वाला है, वो 21 साल से 55 साल तक है, यानी कि आप 21 साल से 55 साल तक इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC वगैरह कोई भी किसी कास्ट में आते हैं तो आप 10th पास अगर होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि पेट्रोल पंप के लिए एरिया कितनी ज़रूरत होती है, यानी कि ज़मीन कितनी की ज़रूरत होती है। मैं आपको अलग अलग एरिया बताऊंगा जिसमें आपको मिनिमम 800 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए ज़मीन अगर आपके पास खुद की है तो बहुत बढ़िया है, आप खुद की ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोल सकते हो। अगर आप खुद की ज़मीन नहीं है या आप किराए पर लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक लंबी लीज लेनी पड़ेगी, यानी कि 15-20 साल के लिए उस मालिक से लीज लेनी पड़ेगी और उससे NOC लेनी पड़ेगी। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि अलग अलग ऑयल कंपनी का अलग अलग इसमें क्राइटेरिया हो सकता है, कि कुछ हो सकता है वो 20 साल की मांगे, हो सकता है कुछ 25 साल के लिए किराए पर ज़मीन मांगे, और हो सकता है कि वो 30 साल तक ज़मीन मांगे। अगर आप लीज पर लेते हो तो उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है, जो मालिक है, उससे आपको NOC सर्टिफिकेट लेना होगा उस ज़मीन का। अगर आप लीज पर लेते हो तो जो मालिक है, जिसकी ज़मीन है, उससे NOC सर्टिफिकेट उस ज़मीन का लेना होगा जहां पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप मेट्रो सिटी के आसपास या भीड़भाड़ वाले इलाके, जैसे मेट्रो सिटी में बात करूँ तो दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, कोलकाता है, इसमें अगर आप भीड़भाड़ इलाके वाली जगह में अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो तो 800 स्क्वायर मीटर की आपके पास में जगह होनी चाहिए। या अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे अगर आपकी ज़मीन है और वहाँ पे अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1500 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो हम बात करते हैं कि इसमें लीगल डॉक्यूमेंट कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी आप, तो लीगल डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो सबसे पहले आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की स्टेटमेंट है, और प्रॉपर्टी के पेपर है, जो कि इसका आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट यानी कि पूरा नक्शा आपको तैयार करवाना पड़ेगा, और इसके लिए इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप शहर में हो तो उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर पालिका वगैरह जो रहती है उससे आपको
एक एनओसी लेनी पड़ेगी, साथ साथ में फायर सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप शहर में पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप गांव में खोल रहे हैं तो पंचायत से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एनओसी रिसीव करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो कि जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि आपको कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी अपनी, और इसके अलावा एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए। अब बात आती है कि हम सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में रेडी हैं तो मैं अप्लाई कैसे करूं? तो दोस्तों ये एक वेबसाइट है जहां जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वेबसाइट पे जा करके अगर उसकी रिक्वायरमेंट निकली हुई है पेट्रोल पंप की तो आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जब भी ऑयल जितनी भी कंपनी मैंने आपको बताई है वो जब भी रिक्वायरमेंट निकालती हैं तो वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती हैं जहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस समय वैकेंसी निकली हुई है, तो आप उस समय इस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अगर मैं अभी की बात करूं 2024 की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करने जा रहे हो तो उसकी भी एक फीस होती है, जो कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो इसके लिए आपको 8,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अगर आते हो तो 4,000 रुपये देनी पड़ेगी, और इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आप आते हो तो उसके लिए 2,000 रुपये फीस सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है। तो इसको आप पे करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सपोज अब आपने एक फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, इसके बाद आपका कैसे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए जैसे आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप पुराना बिजनेस क्या करते हो और क्या क्या आपकी प्लानिंग है आगे इस बिजनेस को करने की, और जो पहला जो आप बिजनेस करते थे उसका टर्नओवर कितना है। तो ये सारी जानकारी ली जाती है आपसे इंटरव्यू के टाइम पे, और ये सब होने के बाद में आपको पेट्रोल पंप अलॉट कर दिया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरत है, जो कि सबके मन में एक सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो अगर आप गांव में पेट्रोल पंप खोलते हो तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी पैसों की वो 15 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट आपके पेट्रोल पंप में लग सकता है, और वहीं अगर शहर में आप पेट्रोल पंप खोलते हो तो 30 से 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका लग सकता है। जैसे कि अगर आप पेट्रोल पंप खोलते हो और 4 मशीन अगर आप लेते हो तो 4 मशीन में आपको 4 लड़कों की जरूरत पड़ेगी, जो कि 24 घंटे की अगर शिफ्ट आप कराएंगे तो इसमें आपको 2 बंदों की जरूरत पड़ेगी एक मशीन में, यानी कि टोटल आपको 4 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो 4 मशीन के अगर 8 लड़के हो जाते हैं तो लगभग आपको 80 से 84 हज़ार रुपये का महीने का आपका टर्नओवर होना चाहिए। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कि पेट्रोल पंप के मालिकों को पैसा कितना बचता है। तो अगर आप पेट्रोल बेचते हो तो 1 लीटर पेट्रोल में आपको 2.90 रुपये की बचत होती है, वहीं अगर आप डीजल बेचते हो 1 लीटर तो 1.85 रुपये की बचत होती है। तो दिन भर में अगर आप 3,000 लीटर, एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं लेकर के चलता हूँ कि 3,000 लीटर पेट्रोल भी अगर आप एक दिन में बेचते हो तो 8,700 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया पेट्रोल का। इसी तरह अगर आप 3,000 लीटर डीजल बेच देते हो तो 5,500 रुपये डीजल का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल दिन की अगर अर्निंग की बात करूं तो 14,250 रुपये आप एक दिन में अर्न कर लेंगे, और महीने का जो होगा आपका 4,27,500 रुपये का प्रॉफिट होगा जो कि महीने का है। और जो टोटल आपका लग रहा है बिजली मिला करके, जितने बंदे हैं आपके पेट्रोल पंप पे उनकी सैलरी वगैरह लगा करके 1.5 लाख रुपये अगर मैं मोटा मोटा लगाता हूँ, लगभग आपका 2.75 लाख रुपये बच जाएगा, जो कि ये अर्निंग आप कमा सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के काम की हो। नमस्कार दोस्तों।